और अब इस वक्त की बड़ी खबर आप जान लीजिए। देखिए, अभी अमर जवान ज्योति को हटाए जाने को लेकर राजनीति गर्म थी। अब उसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने एक ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर जानकारी दी है कि इंडिया गेट पर सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट की आदमकद प्रतिमा लगेगी। पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की इस साल 125वीं जयंती मना रहा है। बाकायदा एक फोटो ट्वीट किया गया प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। और इसी कड़ी में एक और ट्वीट करते हुए उन्होंने ये भी कहा कि जब तक ये प्रतिमा बनकर पूरी नहीं हो जाती, तब तक यहां पर एक हॉलोग्राम आपको यहां पर दिखाई देगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस का। यह है वो ट्वीट जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, ऐसे समय जब पूरा देश नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मना रहा है, मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि ग्रेनाइट से बनी उनकी एक विशालकाय मूर्ति इंडिया गेट पर लगाई जाएगी। यह उनके प्रति पूरे देश की कृतज्ञता का प्रतीक होगा। और इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भदौरिया मौजूद हैं। विकास, पहले तो ये बताइए कि ये मूर्ति उसी जगह लग रही है जहां पर अमर जवान ज्योति प्रज्वलित होती थी इंडिया गेट पर, और अगर वही जगह है तो फिर क्या माना जाए जितना विवाद चल रहा है अमर जवान ज्योति को लेकर, उस पर विराम लग जाएगा? जी नहीं, देखिए जहाँ पर अमर जवान ज्योति है उस जगह पर नहीं लगाई जा रही है प्रतिमा। ठीक इंडिया गेट के सामने आपको एक छोटी सी वहाँ पर छतरी दिखाई देती है जहाँ पर लॉर्ड, मैं अगर याद गलत नहीं हूँ तो लॉर्ड इरविन की पहले प्रतिमा हुआ करती थी जिसको हटा दिया गया आज़ादी के बाद। ठीक उस छतरी में अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगाई जाएगी, और इस प्रतिमा के बनने तक ग्रेनाइट पत्थर का खास तौर पर चयन किया गया। काले ग्रेनाइट पत्थर से ये मूर्ति बनाई जाएगी और तकरीबन इसका जो वजन होगा वो 125 किलो के आस 125 किलो उसका बेस होगा, और जो कुल वजन होगा उसका वो 4 टन के आसपास होगा। लेकिन जब तक ये मूर्ति पूरी तरह से बनकर तैयार नहीं हो जाती, तब तक वहाँ पर एक होलोग्राम लगाया जाएगा और वो दूर से देखने में ऐसा ही लगेगा कि छतरी के भीतर नेताजी सुभाष चंद्र बोस खड़े हुए हैं। और 23 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसका उद्घाटन भी करेंगे। और मैं आपको बता दूं, जो 26 जनवरी का कार्यक्रम है वो पहले 24 जनवरी से शुरू होते थे। गणतंत्र दिवस के जो कार्यक्रम होते थे वो 24 जनवरी से शुरू होते थे। इस साल से सरकार ने ये घोषणा की है कि ये कार्यक्रम अब 23 जनवरी से शुरू होंगे, और 23 जनवरी नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है, और उनको श्रद्धांजलि देने के लिए और राष्ट्र की कृतज्ञता उनको दिखाने के लिए ये एक मौका है जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा का अनावरण से पहले होलोग्राम का अनावरण करके उनके सामने रखना चाहते हैं। और इस पूरे घटनाक्रम का सियासी तौर पर, राजनीतिक तौर पर इसके क्या मायने निकाले जाएंगे? ये देखिए, राजनीतिक तौर पर इसके कई मायने हैं। अगर आज की कंट्रोवर्सी की बात की जाए तो अमर जवान ज्योति की को लेकर जो राष्ट्रीय समर स्मारक पर स्थापित किया गया है वो एक महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि कांग्रेस इसको लेकर हमलावर है। कांग्रेस लगातार आरोप लगा रही है कि ये शहीदों का अपमान है, जबकि बीजेपी कह रही है कि नहीं नहीं, हमने जो ज्योति है उसको बंद नहीं किया बल्कि उसको विलीन किया राष्ट्रीय समर स्मारक में। और ये 1971 के बाद से टेम्परेरी अरेंजमेंट था इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति का, उसको हमने स्थायी जगह दी है और इसलिए इसके कोई मायने नहीं है। लेकिन अब आज इस कॉन्ट्रोवर्सी के दिन ही नेताजी का दाव चल के निश्चित रूप से सरकार ने उस कंट्रोवर्सी पर पर्दा डालने की कोशिश जरूर की है। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और है, बंगाल, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हमलावर हैं कि उनकी जो झांकी थी 26 जनवरी को निकलनी थी उसको रोक दिया गया है, और मोदी सरकार लगातार बंगाल के प्रति जो है वो रवैया उसका हमेशा ठेस पहुंचाने वाला होता है बंगाल के सम्मान को। तो यहाँ पर उस कंट्रोवर्सी से भी निकलकर नेताजी को एक सम्मान देकर बंगाल की जनता का दिल जीतने की कोशिश। बहुत शुक्रिया विकास भदौरिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ABP News आपको रखे आगे।